हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन के अगला टॉपिक के बारे में, जो कि हम लेथ कटिंग टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये लेथ का वीडियो 5 नंबर हो गया। अगर इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में लेथ का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें हम टोटली थ्योरी से लेकर ऑब्जेक्टिव तक वीडियो करा रहे हैं। अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक भी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कि लेथ कटिंग होता क्या है। कि देखिए, लेथ कटिंग जो होता है वो सिंगल पॉइंट के तहत भी मिलता है, डबल पॉइंट में भी होता है, कटिंग एज में भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, लेथ टूल के अनुसार मल्टी टूल का भी प्रयोग किया जाता है। मल्टी टूल मतलब एक दो से अधिक भी टूल का इस पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ड्रिल हो गया, रीमल हो गया, तो इसमें मल्टी टूल पर होता है, ठीक है। मतलब एक सिंगल और डबल के अलावा भी टूल होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा होता है, उसका उपयोग क्या क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देखिए, इसमें क्या होगा कि कटिंग टूल मतलब काटने वाला जो टूल होगा, भाग होगा, सिर्फ एक होगा। सिंगल मतलब एक होता है। अब ये जो है ना, लेथ पर डिफरेंट टाइप के प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड कटिंग टूल है, सॉलिड टूल है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस होता है। ये जो होता है ना, इसका क्रॉस सेक्शन जो ये बना हुआ है, ये आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। यह पूर्णतः किस मेटल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ये पूरा ठोस होता है, क्या होता है, पूरा ठोस होता है। इसीलिए इसे टूल पोस्ट में पकड़ कर प्रयोग में लाते हैं। इसको कहाँ पकड़ते हैं, टूल पोस्ट में, ठीक है। या इस प्रकार का टूल पोस्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप इस प्रकार के देखे होइएगा, इसमें इसी में हम लोग क्या करते हैं, टूल को फंसा के ऊपर से नट बोल्ट से कस देते हैं, ठीक है। तो और इस पे ऊपर से एक प्लंजर लगा होता है, तो इसको क्या करते हैं, हम टूल पोस्ट में फंसा कर ज़रूरत के हिसाब से काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा जो है वो बीट टूल है। क्या है, बीट टूल, मतलब ये टूल भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है, लेकिन थोड़ा सा कोबाल्ट मिला जो दिया जाता है। इसमें क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो स्क्वायर होता है। मतलब ध्यान से आप देखिएगा, ये इस प्रकार से होगा, यानी स्क्वायर होता है। और बाकी बात, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 5 से 10 mm स्क्वायर में होता है। क्या होता है, 5 से 10 mm के स्क्वायर में इसका टूल, बीट टूल की लंबाई होता है। और अगर टोटल टूल होल्डर की लंबाई की बात करें तो 75 से 150 mm के लंबाई में पाया जाता है। इसको भी क्या करते हैं, टूल होल्डर में पकड़ के तब उपयोग में लाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा, मान लीजिए कि ये टूल होल्डर है, तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको लगा देंगे, ऊपर से नट बोल्ट से टाइट कर देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पर हम लोग ले आते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल टूल मतलब सिंगल कट के आधार पर ही होता है, इसको बोलते हैं बीट टूल, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है ट्रिप्ड टूल, ठीक है। ट्रिप्ड टूल क्या है, इसमें क्या होता है, ये कार्बन स्टील का बना होता है, एक शंकु आकार का यहाँ पर बना होता है फेस, इस प्रकार से बना होता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्ड टूल। और सैंग के सिरे पर टंगस्टन या कोबाल्ट का स्टील का टेप ब्रिज लगा होता है। किसका, ये ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से दिखाना चाहते हैं। ये जो है टंगस्टन या स्टील अति कार्बाइड का क्या है, टेप ब्रिज है। यहाँ ऊपर से मेटल दिया जाता है, इसी से हमारा कटिंग होता है, ठीक है। और ये पूरा भाग सैंग टूल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका प्रयोग हार्ड मेटल को टर्निंग में करते हैं, याद रखेंगे। हार्ड मेटल को टर्निंग में किस किस टूल का उपयोग करते हैं, तो ट्रिप्ड टूल का, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ देगा कि हार्ड मेटल को टर्निंग करने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रिप्ड टूल का इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ गया। चलिए आगे का देखते हैं। आगे कह रहा है साइड एंड कटिंग टूल। देखिए, साइड एंड कटिंग टूल क्या होता है, इसमें दो प्रकार का दिया होता है। देखिए, साइड एंड कटिंग टूल ध्यान से समझिएगा। साइड कटिंग टूल में कटिंग एज टूल के साइड पर बनी होती है। कटिंग टूल क्या होता है, टूल के साइड में, ये साइड में लगा हुआ है। यह राइट हैंड और लेफ्ट हैंड टूल के रूप में पाया जाता है। यह क्या होता है, राइट हैंड भी चलता है, मतलब इधर से इधर चलेगा और इधर से इधर भी चलेगा, लेफ्ट हैंड भी चल सकता है। इसका प्रयोग लेथ पर अधिकतर ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। एंड कटिंग टूल में कटिंग एज टूल के समान सिरे पर बने होते हैं। ये एज जो है
कटिंग एज, ये सिरे पर समान रूप से बने होता है। इसका प्रयोग लेथ पर प्लंजर कट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। याद रखेंगे इंड का किस क्या चीज़ के इसलिए कि उपयोग में लाया जाता है, इंड कटिंग टूल का उपयोग मात्र किया जाता है प्लंजर कट ऑपरेशन में, समझ में आ गया। और एंड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग टूल के विभिन्न ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं साइड एंड कटिंग। ये जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों मतलब दोनों दिशा में चलता है। ये हमारा जॉब हो गया, इस पर टर्निंग मतलब एक प्रोसेस छिला मतलब मेटल को क्या किया जा रहा है, छिला जा रहा है। चलिए अब आगे बात करेंगे। आगे है लेफ्ट एंड राइट हैंड टूल, ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट एंड राइट इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कटिंग टूल। तो ध्यान समझिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, मतलब ये हमारा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मूव करेगा और ये जो लेफ्ट हैंड है ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर मूव करेगा। तो सिंगल पॉइंट लेथ टूल का वर्गीकरण कार्य के फीड के दिशा के अनुसार किया गया है, फीड के दिशा के अनुसार किया गया है। कटिंग करते समय जब टूल को फीड दाएँ से बाएँ दी जाती है, मतलब दाहिने से दायां से बायां जब इधर दी जाएगी तो इसे हम राइट हैंड टूल कहेंगे, क्या कहेंगे, राइट हैंड टूल। और यदि फीड को बाएं से दाएं दी जाती है तो इसे लेफ्ट हैंड टूल करेंगे, समझ में आ गया। ये हमारा जॉब पार्ट है और ये हमारा टूल है, ध्यान समझिएगा। इधर से क्या करते हैं, इसी पार्ट से हम कटिंग करते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं अगले बारे में, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का मतलब क्या होगा कि उसमें कटिंग के लिए बहुत सारे टूल बने होंगे, ठीक है। यानी लेथ मशीन पर कटाई प्रक्रिया के लिए कुछ ऐसे भी टूल प्रयोग होते हैं जिनमें एक से अधिक कटिंग पॉइंट होता है, जैसे ड्रिल तथा रिमर हो गया। इन टूलों को टेल स्टॉक में लगाकर प्रयोग करते हैं, किस में लगाकर प्रयोग करेंगे, टेल स्टॉक में लगाकर प्रयोग करेंगे। देखिए ये हमारा एक प्रकार का, ये भी है प्राइमरी रोशन मोशन, ये भी है एक प्रकार का, हम इसको मल्टी पॉइंट कटिंग। देखिए कई प्रकार के इसमें कटिंग दिया गया है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात करेंगे तो देखिए ये एक हमारा कटिंग टूल बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये एक प्रकार का बना हुआ है, ये एक प्रकार का बना हुआ है, ये हमारा ड्रिल में पाया जाता है। तो इसको अगर हम जैसे किसी भी जॉब में हमको ड्रिल करना है तो इसका उपयोग हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग करेंगे। इसको कहाँ मतलब लेथ मशीन के टेल स्टॉक में फिट कर देंगे और जॉब को लगा देंगे हेड स्टॉक में, और जॉब और एक दूसरे को मतलब इंसर्ट करके मोटर को चालू कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो यही हम आज बताने वाले थे, क्योंकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कंप्लीट हो गया, मतलब टूल का प्रकार जो है इतना ही है। और अगर आपको इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A to Z कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।